हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट सीखा था। आरसी सर्किट में हमने देखा था कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक, ये वैल्यू आई थी अपने पास Q = Q0 1 माइनस e की पावर टी बाई टाउ। यहां पर जो टाउ था वो टाइम कांस्टेंट था और टाउ की जो वैल्यू थी वो क्या थी? आर सी थी। ठीक, ऐसी सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ये क्या था? BC = B0 1 माइनस e की पावर टी बाई टाउ। ठीक, करंट इन सर्किट ये था I = I0 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस ये था BR = I0 R e की पावर माइनस टी बाई टाउ। और हमने इनके ग्राफ भी देखे थे। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए, ये भी हम लोगों ने देखा था कि at t = 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना था? 0 था। at t = ∞ चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना था? क्यू नोट था, जो कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब सुनो, t = 0 पर चार्ज कैपेसिटर पर कितना है? 0 है। at t = ∞ चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है? क्यू, कांस्टेंट है। ठीक है, और जब चार्ज कैपेसिटर पर 0 है तो पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर कितना होगा? 0, क्योंकि BC = QC होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? 0। ठीक, अच्छा, और at t = 0 करंट की यदि बात करें तो t = 0 पर I की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? I नॉट थी। at t = ∞ पर I जो था वो कितना था? 0 था। अब यहां से हम एक शॉर्टकट बनाएंगे और वो शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट ये होगा कि जैसे मान लो आपके पास ये सर्किट था R और ये C, ये था आपके पास बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये R है, ये C है और ये क्या है? B है। ठीक है, अब देखो at t = 0 Q कितना है? 0 है, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 0 है। तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है, तो क्या मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दूं? तो at t = 0 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो जो सर्किट होगा वो आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक, सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा। और इस केस में t = 0 पर यदि मैं करंट निकालता हूं तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? I = B/R, और इसी को हमने बोला था I0। ठीक है, at t = ∞ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर आपको देखना है, तो चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर at t = ∞ पर कितना है? क्यू नॉट है, और इस क्यू नॉट को लिखा था हमने CV। ठीक है, तो अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है? B है, ये हो गया। अब आप एक चीज और देखें, यहां पोटेंशियल V है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो बैटरी का जो पूरा पोटेंशियल है वो किसके पास पहुंच गया? कैपेसिटर के अक्रॉस पहुंच गया है। बैटरी का पूरा पोटेंशियल किसके पास पहुंच गया है? कैपेसिटर के अक्रॉस पहुंच गया है। जब इसके अक्रॉस इसका पूरा पोटेंशियल पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0 होगा। रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0 होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखते हैं? BR = IR लिखते हैं। ये 0 है, R तो 0 है नहीं आपका, तो 0 किसको होना पड़ेगा? I को। ठीक है, तो 0 किसको होना पड़ेगा? I को। और वही हमने लिखा at t = ∞ करंट इन सर्किट कितना है? 0 है। तो
तो एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट मेरे को पता है सर्किट का करंट कितना है, जीरो है। तो क्या मैं इस सर्किट को ओपन सर्किट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है। करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्या है, हम इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जहां आपका कैपेसिटर लगा है वहां से उसको ओपन बना दो, ठीक, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम इसको एक शॉर्टकट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? शॉर्टकट बना देंगे। अब देखो शॉर्टकट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग इतना लंबी कैलकुलेशन तो नहीं करोगे जैसे हमने स्टार्टिंग में ड्राइव किया था। इससे लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था, इतना ड्राइव तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम आपके पास होता भी नहीं है, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट हम इसको बना देते हैं, तो यहां निकला है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो एट टी इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटर रिप्लेस बाई ए कंडक्टिंग वायर, कैपेसिटर रिप्लेस बाई ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है। और फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कैपेसिटर इज बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा तो बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट होगा, ठीक। अच्छा अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है जेई मेंस और नीट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। तो देखो ये मान लो आपके पास आर है और ये सी है, ठीक, ये आपकी बैटरी है, ये सी है, ये आर है और ये बी है, ठीक है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो टाइम कांस्टेंट क्या हमने डिफाइन किया था, टाइम कांस्टेंट हमने जो डिफाइन किया था वो टाउ इज इक्वल टू आरसी था। क्या ये सब जगह आरसी ही होगा, ये सब जगह आरसी होगा, इस आर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो जो हमने स्टार्टिंग में डेरिवेशन की थी वो डेरिवेशन अब हम यहां नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी। अब पहले यहां पर सोचो, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, ठीक है, इसके लिए स्टेप ये है। स्टेप फर्स्ट, रिप्लेस बैटरी बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, रिप्लेस बैटरी बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या करेंगे, मान लो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, या चाहो तो आप लिख लें व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज जीरो, देन इट रिप्लेस बाई ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है, बाई ए कंडक्टिंग वायर, ठीक, एक कंडक्टिंग वायर से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये, दूसरा सेकेंड स्टेप, देन कैलकुलेट R equivalent across कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस R equivalent आपको निकालना है। जब R equivalent आपके पास आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां आ जाओ, tau is equal to R equivalent into C। अब इस सर्किट को देखो, यहां हम देखते हैं कि बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, तो बैटरी को रिप्लेस कर दिया कंडक्टिंग वायर से, ठीक, इसको सीधा सीधा ऐसा बना, ठीक है, ये रेसिस्टेंस आपका इज,
और कैपेसिटर यहां, इसको टर्मिनल मैं बोल देता हूं ए बी। अब देखो एक ही रेसिस्टेंस है आपके पास आर, इसका आर इक्विवेलेंट यदि हम लिखेंगे तो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर, और टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू कितना होगा सी होगा, तो ये हो जाएगा आपका आर सी। ठीक है, इसमें तो एक ही रेसिस्टेंस था इसलिए हमने कर लिया। ठीक, अच्छा अब देखो इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो एक ही रेसिस्टेंस बताया, दो रेसिस्टेंस होते तो क्या करते, बस आपको ये शॉर्टकट याद रखना है, दो लाइन में आपका आंसर आ जाए। देखो जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को, ये है ये आपके पास सर्किट दिया, ठीक, यस, ये कैपेसिटर, ये है आपका आर, ये सी, ये आर और ये बी। ठीक, क्वेश्चन बोलिए फाइंड टाइम कांस्टेंट, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। एक बार ट्राई करो सब लोग, देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपका स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना। अब इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं तो ये कंडक्टिव वायर से रिप्लेस करता है, ठीक है, तो बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं तो ये कंडक्टिव वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी पूरी, यहां पर आपका ये वाला रेजिस्टेंस एज इट इज रखो, ठीक, ये वाला रेजिस्टेंस आप एज इट इज रखें, और ये आपका कैपेसिटर, क्योंकि हमको क्या करना है इस कैपेसिटर के अक्रॉस ही आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये वैल्यू आपकी आर है, ये वैल्यू आपकी आर है, ठीक है, ये आर है और ये आर है। अब आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी। तो देखो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी यदि आप देखते हैं तो क्या देखेगा, ये जो रेसिस्टेंस है यहां देखो एक कंडक्टिंग वायर से ये दोनों कनेक्टेड है। जब किसी भी रेसिस्टेंस को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो वो रेसिस्टेंस आपको क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है वो हो गया आपका सॉल्ट, ये रेसिस्टेंस क्या हो गया भाई, सॉल्ट हो गया। जब ये रेसिस्टेंस आपका सॉल्ट हो गया तो अब आपके पास बचा क्या, इसके बाद जो है आपका ये डायग्राम ऐसा होगा। देखो ये एक रेसिस्टेंस ए और ये बी, ठीक, और सिंपल सा ये एक कंडक्टिंग वायर। अब देखो ए और बी के अक्रॉस कितना है, ये रेसिस्टेंस आर है, ठीक है, तो अब यहां से हो जाएगा आपके पास आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, और टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इनटू सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आर सी। देखो कितना इजी हो गया, नहीं तो इसको ड्राइव करते तो क्या करते, यहां से करंट मारते, इसमें करंट आई है, इसमें करंट आई वन है, इसमें करंट आई टू है, आई वन आई टू की वैल्यू निकालो, इसमें चार्ज है, फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालो, फिर उसको कंपेयर करो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस सी की पावर टी बाई टी से, तब जाके आपको ये टाउ की वैल्यू मिलती, ठीक। इतना टाइम आपके पास होता नहीं है इसलिए शॉर्टकट का थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो बेसिकली शॉर्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन आर आर सी, ठीक है, फाइंड टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ आर सी सर्किट, फाइंड टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट आपको निकालना है, क्या निकालना भाई, टाइम कॉन्स्टेंट। तो देखो स्टेप आप याद रखें, बैटरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो तो ये आ गया, ये रेजिस्टेंस है, देखो इसको थोड़ा सीधा बनाना है, इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस किया, ये रेजिस्टेंस आपका एज इट इज, ठीक, ये रेजिस्टेंस आपका ये एज इट इज, ये आपका क्या सी, ये आर आर सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखो ये दोनों सीरीज में लिखे हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इनटू सी, आर इक्विवेलेंट कितना है, टू आर इनटू सी, तो कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू
टू आर सी। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन। अब देखो और छोटा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मतलब चार्ज आपको, मान लो आपको बोल दिया जाए कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टी आपको निकालना है, तो कैसे निकालो? देखो ये हमने जो ड्राइव किया उसी को मैं शॉर्टकट से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये है आर, ये है सी और ये है बी। ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पे चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है। तो हमको ये पता है एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पर हम क्या करेंगे, इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, इसको एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है, ये हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब यहां पर सर्किट में करंट निकालेंगे तो कितना आएगा, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, और ये कितना हो जाएगा भाई, बी अपॉन आर। ठीक है, करंट आ गया एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था वो कितना था, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। तो क्या लिख देंगे, बी अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस टी की पावर टी बाई टाउ। अब सबसे पहले हमारा टाउ को हमने निकाल लिया था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें टाउ की वैल्यू आई थी कितनी, टाउ इज इक्वल टू आर सी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस क्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है। ये जो क्यू नॉट होगा वो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू बी मैक्सिमम वन माइनस टी की पावर टी बाई टाउ। इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, इनफाइनाइट पर होगा, और वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो तो हम देख ही चुके हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, चार्ज ही नहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप कहां से आएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर तो होगा नहीं, क्यू मैक्सिमम, क्यू मैक्सिमम होगा आपका कब, इनफाइनाइट पर। तो क्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट पे आपको निकालना है, तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, बी है। तो यहां मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम की जगह पर सी बी वन माइनस e की पावर t बाई टाउ। टाउ हमने निकाला था कितना, आर सी का। देखो जो डेरिवेशन हमने की थी दो तीन पेज की, उसमें फाइनल आंसर आपका यही आया था। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे आगे, है ना, अगली क्लास में। अभी तो बस इसको यहीं स्टॉप करते हैं।